बचपन में कार्टून तो आप सभी ने देखे होंगे जैसे शिनचैन, डोरेमोन। पर आपको पता है क्या ये कार्टून रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं? पांचवें नंबर पर बात करें तो श्रेक का आता है। इस मूवी का मेन हीरो श्रेक होता है, जिसे एक रियल लाइफ प्रोफेशनल रेसलर मॉरिस टिलेट के ऊपर मॉडल किया गया था। आप देख सकते हैं इन दोनों की तस्वीरें कितनी मिलती जुलती है। इस आदमी की केवल शक्ल नहीं मिलती थी, बल्कि इस आदमी की हरकतें भी श्रेक ने कॉपी की थी। नंबर चार पर आता है टॉयज मूवी के एक साइड कैरेक्टर की। अगर आपने पिक्सर की एनिमेशन फिल्म द टॉयज मूवी देखी होगी तो आपने वहां पर एक कैरेक्टर मिस्टर पोटैटो तो देखा ही होगा, जिसकी बड़ी बड़ी मुछे हुआ करती थी। मिस्टर पोटैटो का ये कैरेक्टर रियल लाइफ के एक टीवी एंकर स्टीव हार्वी के ऊपर मॉडल किया गया है। आप देख सकते हैं दोनों में कितनी सारी सिमिलैरिटीज है और दोनों की मुछे भी एक दूसरे की तरह दिखाई देती है। नंबर तीन की बात करें तो ये शो आपने कभी ना कभी इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में भी देखा होगा। ये कार्टून अमेरिका का सबसे फेमस कार्टून था, द फैमिली गाय। इस कार्टून का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम पीटर ग्रिफिन होता है, वो और उसकी फैमिली अपनी हरकतों से आपको हंसा हंसा कर पागल कर देती थी। उसका रियल लाइफ कैरेक्टर आप इस फोटो में देख सकते हैं, जिसका फेस से लेकर फेस सब कुछ पीटर जैसा है। नंबर दो पर हम सबका दुलारा, सबका प्यारा शिनचैन। शायद ही को बच्चा होगा ऐसा होगा जो शिनचैन कोई नहीं जानता होगा। दुनिया के हर एक बच्चे को भले ही अगर अपना नाम याद हो ना हो, पर शिनचैन नोहरा का नाम तो जरूर याद होगा। शिनचैन का रियल लाइफ कैरेक्टर इतना रियल है कि मानो शिनचैन खुद कार्टून से निकलकर बाहर आ गया हो। और नंबर वन की बात करें तो इस कैरेक्टर को तो आप सभी जानते होंगे। यह आलसी है, डरपोक है, कमजोर है और हमेशा अपने एक दोस्त से मदद मांगता रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोरेमोन शो के नोबिता कैरेक्टर की, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बाकी आप हमें कमेंट करके बताएं आपको पांचों में से किसका रियल लाइफ अडैप्टेशन ज्यादा रियल लगा। हम आपसे फिर से मिलने आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।